क्या लग रहा है आपको, आप आइंदा इलेक्शन आ गया तो कौन सी पार्टी उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही मान रहा? सर सबसे पहले आप ये बताएं कि मैं जो बात मौका पेश करूंगा आप चलाएंगे? इंशाल्लाह। जब से ये मुल्क पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर आज तक जितने के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने के जितने नाम निहाद इस मुल्क के सियासतदान और हुक्मरान है, खाली खोली नारे लगाए, अमली तौर पर कोई काम नहीं किया। सबसे पहले नारा लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी एक नारा था। किसी ने कहा रोटी कपड़ा मकान, ये भी एक नारा था। किसी ने कहा सोशलिज्म, ये भी एक नारा था। किसी ने कहा माशी इस्तेकाम, ये भी एक नारा था। किसी ने कहा कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ये भी एक नारा था। किसी ने कहा इस्लाम इस्लाम, ये भी एक नारा था। किसी ने कहा शरीयत मिल, ये भी एक नारा था। और एक नाम निहाद जर्नल ने कहा एहतसाब एहतसाब, ये भी एक नारा था। नारे लगाने से न कौम का पेट भरा जा सकता है, नारे लगाने से न मुल्क और आवाम की खिदमत हो सकती है, नारे लगाने से न फलस्तीन और कश्मीर को पता किया जा सकता है। नारे लगाने वाली कौमें तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाता है जो आज हमारा बना हुआ है। आज गैर मुल्की ताकतें हमें कठपुतली की तरह नचाए तो हम नाचते चले जाएं, तोते की तरह आंखें बंद करके हम उनके इशारों पर नाचते चले जाएं। हम अमेरिका की और गैर मुल्की ताकतों की लौंडी नहीं है, गुलाम नहीं है, दम छल्ला नहीं है। अगर जो बात जो बंदा हक बात करता है उसे उठा लिया जाता है। जनाबे वाला वोट इमरान खान का है, वोट इमरान खान का है, वोट तहरीक इंसाफ का है, वोट खान का है, वोट करने का है। हथकड़ियां लगाओ तब भी, जेलों में डालो तब भी, और तशद्दुद करो तब भी, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन वोट खान का है, वोट इमरान खान का है, वोट बल्ले का है। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।